ओंकारेश्वर से अयोध्या भेजा जा रहा है 600 किलो वजनी शिवलिंग। राम मंदिर में किया जाएगा स्थापित। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। इसको बनाने में देश के कोने कोने से योगदान दिया जा रहा है। श्री राम के इस मंदिर में कई और मंदिर भी बनकर तैयार हो रहे हैं। इन्हीं में से एक मंदिर में मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर से भेजा जा रहा 600 किलो वजनी शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा। करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय करके नर्मदेश्वर शिवलिंग यात्रा अयोध्या पहुंचेगी। यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। श्री चंडी देवी मंदिर की पहाड़ियों पर हुआ भूस्खलन, यात्रा पर रोक। यात्रा रोके जाने से तीर्थयात्रियों में निराशा। धर्मनगरी हरिद्वार में तेज बारिश का असर अभी भी देखने को मिल रहा है। श्यामपुर थाना क्षेत्र में स्थित माँ चंडी देवी मंदिर की पहली पर भूस्खलन हुआ, जिसके चलते श्री चंडी मंदिर की यात्रा को रोक दिया गया है। चार दुकानें भी खतरे की जद में आ गई हैं। चंडी देवी मंदिर की पहाड़ी पर हुए भूस्खलन और चार दुकान खतरे की जद में आने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सावधानी बरतते हुए यात्रा पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया गया है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर हुई सफल लैंडिंग, वैज्ञानिकों की 4 साल की मेहनत लाई रंग। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग कर ली है। यह सफलता हासिल करने वाला भारत दुनिया का 4th देश बन चुका है। 140 करोड़ लोगों की प्रार्थना और इसरो के लगभग 16,500 वैज्ञानिकों की 4 साल की मेहनत रंग ले आई। अब पूरी दुनिया ही नहीं, चांद भी भारत की मुट्ठी में है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर आस्था और देशभक्ति का अनोखा संगम। माँ गंगा में 113 कमल के फूल किए प्रवाहित। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर आस्था और देशभक्ति का अनोखा संगम दिखाई दिया। देश के अलग अलग स्थानों से लेकर मुल्तान समाज के लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर हर की पौड़ी पहुंचकर धार्मिक माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया और माँ गंगा के साथ जमकर दूध की होली खेली। माँ गंगा में 113 कमल के फूल भी प्रवाहित किया गया और माँ गंगा को स्वच्छ रखने का संदेश भी दिया गया। माँ गंगा से सबके कल्याण की प्रार्थना भी हुई। मुल्तानी हाथ में तिरंगा लिए हुए देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए और दूध की बाल्टी लेकर माँ गंगा से दूध की होली खेलने और माँ गंगा की जय जयकार करते हुए देखा जा रहा है। बरसात में क्षतिग्रस्त केदारनाथ पैदल मार्ग पर लग रहा घोड़े खच्चरों का जाम। जाम के कारण यात्री हो रहे हैं परेशान। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर बीते दिनों भैरव गधेरे में बादल फटने से भारी तबाही मची थी। इस दौरान यहां पर पैदल मार्ग भी टूट गया। घोड़े खच्चरों से केदारनाथ पुनर्निर्माण की सामग्री भी ढोई जा रही है, जबकि यात्री भी घोड़े खच्चरों से धाम जा रहे हैं। ऐसे में क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चरों और पैदल चलने वाले यात्रियों का जाम लग रहा है। घोड़े खच्चरों में इस प्रकार की सामग्री लादी गई है कि पैदल चलने वाले यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। बरसात में कठिन रास्तों को पार करके धाम पहुंच रहे यात्री दर्शन करके खुश। केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं अभी तक रिकॉर्ड 12 लाख यात्री। केदारनाथ यात्रा पर अभी तक रिकॉर्ड 12 लाख से अधिक यात्री पहुंचे। अभी 2 महीने से अधिक का समय यात्रा में बचा हुआ है। ऐसा उम्मीद है कि यात्रियों का आंकड़ा और बढ़ेगा। सितंबर माह से पहाड़ों में मौसम साफ हो जाता है। पिछले 1.5 महीने में पैदल ही धाम की यात्रा कर रहे हैं। पिछले दिनों हुई बारिश के कारण पैदल मार्ग जगह जगह ध्वस्त हो गया था, जिससे फिलहाल आवाजाही लायक बना दिया गया है। राजस्थान के पाली में भगवान कृष्ण के झूला उत्सव का हुआ आयोजन। भगवान कृष्ण को सजाकर पालकी में झूलाते नजर आए भक्त। राजस्थान में पाली के गोपीनाथ मंदिर से मनमोहक तस्वीरें सामने आई हैं। यहां भगवान कृष्ण के लिए झूला उत्सव का आयोजन किया गया। श्रद्धालु बाल गोपाल भगवान कृष्ण को सजाकर उन्हें पालकी में झूलाते नजर आए। इस मौके पर मंदिरों की सजावट देखते ही बन रही है। आइए ज्योतिर्विद शैलेंद्र पांडे जी से जानते हैं 24 अगस्त 2023 का क्या है पंचांग। दिनांक 24 अगस्त 2023 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, सुबह के 9:04 तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। बद्रीनाथ धाम में मनाया गया 2 दिवसीय नारायण महोत्सव। नर नारायण की डोली बद्रीनाथ से निकलकर पहुंची लीला ढूंगी। बद्रीनाथ धाम में मनाया गया नारायण महोत्सव। पहले दिन जहां माता मूर्ति के दर्शनों के लिए नारायण की डोली भगवान बद्री के मंदिर से निकलकर लीला ढूंगी पहुंची। नायब रावल द्वारा नारायण का विशेष पूजा अर्चना के साथ अभिषेक और श्रृंगार भी किया गया। वहीं धूमधाम से इस बार नर नारायण महोत्सव बद्रीनाथ में मनाया गया।
24 अगस्त से सिंह राशि में बुध चलेंगे उल्टी चाल, सभी राशियों पर होगा असर। ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक ग्रह का एक विशेष महत्व है। बुध ग्रह को बुद्धि और विवेक का कारक माना जाता है। ज्योतिष गणना के मुताबिक हर एक ग्रह निश्चित समय के बाद प्रत्येक राशि में गोचर करता है। ये ग्रह मार्गी होते हैं, वक्री होते हैं, उदय होते हैं और अस्त भी होते हैं, जिसका शुभ अशुभ असर देश दुनिया और 12 राशि के जातकों पर देखने को भी मिलता है। बुध ग्रह को बुद्धि और विवेक का कारक ग्रह माना जाता है, जो 24 अगस्त 2023 को सिंह राशि में उल्टी चाल चलेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पहुंचे हरिद्वार। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए संतों को दिया न्योता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने जनवरी 2024 की 16 से 24 जनवरी के बीच किसी भी दिन अयोध्या में श्री राम मंदिर में भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में होने वाले कार्यक्रमों के लिए संतों और मौखिक रूप से संतों को न्योता दिया। विधिवत निमंत्रण नवम्बर के बाद दिया जाएगा। इस क्रम में चंपत राय अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविन्द्र पुरी से मिलने निरंजनी अखाड़ा पहुंचे और उनको प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने का न्योता भी दिया।